आपका ड्रीम यदि आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिसाइड किया तो हर वो ख्वाब आपका पूरा होगा जो आपने देखा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके माता पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप बनना क्या चाहते हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों पर अपने एजुकेशन और अपना ड्रीम छोड़ देते हैं और परिणाम आपके सामने है कि कोटा में सुसाइड पॉइंट का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आपको भी ये जानना होगा कि आपकी काबिलियत क्या है। पिता आपको डॉक्टर आईएएस पायलट बनाना चाहते हैं लेकिन आप यदि ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फ्रेंडली अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, नहीं मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, मैं फोन से बहुत सारी चीज़ों को जानकारी रखता हूँ, मुझे आई टी क्षेत्र में जाने दीजिए पापा, मैं निश्चित रूप से भारत देश का नाम रोशन करूँगा। आपको आई टी क्षेत्र में जाना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए। एक बेटी यदि खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और वो यदि कुछ बनना चाहती है तो डॉक्टर पायलट के साथ साथ यदि उसने कंपनी के अंदर किसी एयर होस्टेस को देखा और सपना बना लिया कि मैं भी कभी इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर सकूं तो उसे एयर होस्टेस बन जाना चाहिए। जब हमें डॉक्टर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, इसीलिए भी चाहिए, केवल और केवल पॉलिटिशियंस को बिठाकर यदि हमने राजनीतिक जुमलों के जरिए बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बात करने की बात की तो माफ करना, ये साइकिलें और स्कूटी बांटने से ना बेटी बच पा रही है ना ही बेटी का भविष्य बच पा रहा है। जब ऐसा होता तो दामनी और निर्भया जैसे मामलों को लेकर के आपको बात नहीं करना पड़ता। आपको बच्चों इस बात का शायद अंदाजा नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आज जितने बच्चे सामने बैठे हैं वो सब संस्कारी माता पिता से परवरिश पाए हुए बच्चे हैं, लेकिन उस माता और पिता को तकलीफ जब होती है जब उन्हें ये पता है कि इस समय उनके स्कूल और कॉलेज का बैन है, उनका बच्चा या बच्ची इस समय स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए और पता लगता है कि वहाँ पे 15 किलोमीटर दूर जो एक्सीडेंट हुआ है। मैं आप तमाम लोगों को साक्षी बनाकर एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में दामनी और निर्भया जैसे मामलों से यदि निजात पाई जा सकती है, माता पिता और शिक्षक को यदि अपने बच्चों और विद्यार्थियों के ऊपर पत्र हो सकता है तो उसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहते हैं मात्र जो राजनीतिक जुमले से काम नहीं चलेगा, उसके लिए किसी न किसी एक व्यक्ति को आकर यह भी कहना पड़ेगा कि बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरे साथी बच्चे मीडिया साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत आसान है कह देना पढ़ाओ और बचाओ। यदि बेटी बची नहीं होती तो आप हमारे सामने पढ़ने के लिए नहीं होते, लेकिन बावजूद उसके हम सब में से कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते। यदि आंकड़े आपके सामने आए तो मेरे ख्याल से हर एक तीसरा व्यक्ति एक डर और भय के माहौल में जीने का आदि हो चला है। इसका यह सूत्र है जो संस्थान ने पिछले 10 सालों के अंतर्गत सर्च किया है तो वो केवल एक ही है कि जिस दिन हिंदुस्तान के भैया दूज और रक्षाबंधन के दिन बहने भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त भाई से गिफ्ट के रूप में कोई लिफाफा या बड़ी गिफ्ट लेने की बजाय अपने भाई से ये संकल्प ले लें कि भाई मैं तेरी कलाई पर राखी बांधती हूँ, तू यदि मुझे कुछ देना ही चाहता है तो केवल एक वचन दे दे कि जो मान सम्मान और रिगार्ड तेरा मेरे लिए है, तेरी नजरों में जो सम्मान मेरे लिए है वो हिंदुस्तान की तमाम बहन और बेटी के लिए हो, ये संकल्प ले। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की समस्या हिंदुस्तान के पास का समाधान भी हिंदुस्तान के पास है, वेस्टर्न कंट्री में इन चीजों का कोई गंध नहीं लगाता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन बहन ने अपने भाई की आंखों में आगे डालकर उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए ये माथे पर तिलक लगाकर उसने ये संकल्प ले लिया उस दिन कोई भी भाई कोई भी बेटा वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो जब भी कभी उसका पाँव फिसलेगा, जब कभी भी उसकी दृष्टि कहीं भ्रमित होगी उसकी आंखों के सामने खुद ब खुद उसकी बहन का चेहरा आ जाएगा। Thank you.